गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल। दिस इज़ द थर्ड टॉपिक इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। एंड इन दिस डिस्कशन वी हैव टू सी हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव दैट वी आर यूजिंग, दैट वी आर डिस्प्लेइंग, दैट वी आर प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली। ऑलरेडी इन द डिफरेंट डिस्कशन in individual culture variable, actually we have to discuss the behavior of different individuals and what type of behavior we have to discuss. Behavior that is changeable, that is being changed from one person to another person, right? When it is being changed from one person to another person, it then that's why we are calling it, we are saying it as individual cultural variables. And remember this thing, हमारा जो भी बिहेवियर होता है उसकी बैकग्राउंड हमारी सोसाइटी से रिलेटेड ही होती है। हमारी सोसाइटी ही हमारा कल्चर डेवलप कर रही होती है, वही हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इन इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल नंबर वन व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हेयर इज़ द डिटेल ऑफ दोज पॉइंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स एंड यू कैन सी ईजीली ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर the same as we have discussed in the previous discussions. Number one is time, number two is space, number three is food, number four is acceptable dress, manners, number five is decision making, and number six is verbal and the non-verbal communication. And you can see that ke verbal point number six, that is very important, and actually point number six can cover point number one, point number two and point number three. Actually what we have to discuss in individual cultural variable, that are the point number 4, point number 5, that are the new for you, and the point number 6 that already we have discussed in the previous lectures, but here it is repeating, we have to do it. Now we shall move ahead to our first point, that is time. Already we have discussed time is a cultural variable as well as, and time is individual cultural variable as well as, but here we are discussing the time in individual cultural variable. Actually how time is variable, because different people are taking the concept of time differently. Someone can say that he or she has to reach on time for interview. Someone may say a little bit late is no problem. Someone may think few minutes early is no problem. तो ये आपकी अपनी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू टेक द कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, जर्मन्स आर टाइम प्रिसाइज, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द टाइम। इन दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस डिफरेंट नेशंस। तो सबसे पहले जो जर्मन थे उनकी बात हो रही है कि दे आर टाइम प्रिसाइज, यानी कि दे आर स्ट्रिक्ट इन द मैटर ऑफ टाइम, पूरे टाइम पे काम करना पसंद करते हैं। एंड आफ्टर दैट लैटिन अमेरिकन जो हैं, ये लैटिन अमेरिकन कल्चर में यू मे वेट एन आवर, आपको घंटों वेट करना पड़ सकता है किसी का भी, फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर मीटिंग, फॉर इंटरव्यू, वट एवर इट इज़, योर होस्ट इज़ नॉट शोइंग डिसरेस्पेक्ट देयर बाय। सेम इज़ हेयर इन पाकिस्तान, और होस्ट भी इसको बुरा नहीं मनाता, पाकिस्तान में भी कहता सेम है। अगर पाकिस्तान में सेम है तो डेफिनेटली इट मीन्स के साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी सेम है, क्योंकि हमारा साउथ एशियन कंट्रीज़ जितने भी, इंडिया, पाकिस्तान और अदर्स, सब में तकरीबन एक ही जैसा कल्चर है। जस्ट रिफ्लेक्टिंग अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ टाइम, अराइविंग लेट इज़ सोशली एक्सेप्टेड कस्टम हेयर इन आर कंट्री। तो हमारे यहाँ कोई लेट आ भी जाता है दो मिनट, बट लेट का यहाँ ये मतलब नहीं है कि यू आर सपोज टू रीच एट 8 AM और आप वहाँ पर जनाब शाम के रात के 8 बजे पहुँच रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेट का यहाँ पर मतलब यही है कि कुछ चंद मिनट, को 5-10 मिनट लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस इज़ रिलेटेड टू द प्रॉक्सिमिक्स। तो स्पेस में हमने डिस्टेंस देखना होता है, सोशल डिस्टेंस है, जो भी है, वट एवर इट इज़। तो इसमें यही पॉइंट आता है कि हाउ क्लोज मे स्ट्रेंजर स्टैंड टू यू, कि स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर मीन अननोन पर्सन जो है, अगर आपसे कम्युनिकेट करता है तो उसे कितना क्लोज आपके खड़े होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अलोन, यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, एकदम से कोई बाइक आपके पास रुक जाती है आके बिल्कुल आपके ऊपर, तो एकदम आप डर जाएंगे, पता नहीं भाई हुई सी, ठीक है ना। अगर वो आपसे दूर रुक के आपसे कुछ पूछता है, कोई एड्रेस पूछता है, कोई
वेरिफिकेशन करता है आपसे कुछ किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन की, तो देन यू विल बी क्वाइट कम्फर्टेबल, ठीक है। अदरवाइज़ आप अनकम्फर्टेबल हो जाते उसी वक्त के यू डोंट नो वाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो ऐसा होता है, ये सारा स्पेस का आइडिया है। बट डज इट फील लाइक वैन यू आर इन अ क्राउड, ठीक है, क्राउड की एग्जाम्पल है, जब क्राउड में सब एक दूसरे के साथ फंसे होते हैं रश में तो तब आपको कैसा फील होता है? फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन फील्स अनकम्फर्टेबल इफ़ अ स्ट्रेंजर कम्स क्लोजर दैन 18 inches। क्या था कि अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन वो इसे अनकम्फर्टेबल फील करते हैं अगर कोई आपके पास 18 inch से कम फासले पर आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, लाइक दैट। तो खैर वो तो उनका कल्चर ज़्यादा डिफरेंट है तो वहाँ पर इस चीज़ को बुरा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भी नो डाउट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। और वैसे भी जो 18 inches की जो स्पेस है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड स्पेस बिटवीन द टू इम्प्लाइज टू पर्सन्स टू कम्युनिकेट, कम अज़ कम उनमें जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट शुड बी 18 inches, तो ये होना चाहिए। हम ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो बॉडी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन इन विच कल्चर यू आर। तो बॉडी लैंग्वेज कहाँ पर डिपेंड करती है? उस कल्चर पर जिसमें आप रहते हैं, जिसका आप हिस्सा होते हैं। अगर वो कल्चर आपको कहता है कि आप 18 inch से कम फासले पर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है तो देर विल बी नो प्रॉब्लम। अगर आपकी सोसाइटी ऐसी कम डिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करती तो देर विल बी अ प्रॉब्लम, तो यू हैव टू फॉलो इट। उसके बाद फूड है। इट मे बी गुड आइडिया प्रायर टू विजिटिंग योर होस्ट कंट्री टू विजिट वेरियस एथनिक रेस्टोरेंट इन योर होम कंट्री। देखें, आप अक्सर देखते हैं लिखा एथनिक रेस्टोरेंट्स होते हैं जो इलाके नाम किसी कबीले के नाम पे होते हैं, जैसे खैबर शनवारी है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं जैसे आप झेलम शानदार चौक में चले जाएँ या कोई इंडिया के किसी शहर में भी चले जाएँ, वहाँ किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी नाम का कोई रेस्टोरेंट हो, पाकिस्तान के किसी इलाके के नाम का हो, ठीक है, लाहौरी बिरयानी लिखा हो। आप दिल्ली विजिट करें तो वहाँ पे लिखा लाहौरी बिरयानी, तो बींग पाकिस्तानी यू विल प्रेफर टू गो देयर, रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर आपने कभी फॉरेन टूर किया तो वहाँ पे यही चलता है, एब्रॉड UAE चले जाएँ, जहाँ भी चले जाएँ तो सब अपने अपने एथनिक जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं। ये पाकिस्तानियों का भी हम वहाँ पे जाएंगे, ये झेलम के बंदे का तो झेलम के लोग वहाँ जाना प्रेफर करेंगे, ये लाहौर का है तो लाहौर के बंदे लाहौर जाना वहाँ पर प्रेफर करते हैं, लाइक दैट। आप देखें ना, जो एक कराची बिरयानी है, ठीक है, तो ये नो डाउट के एथनिक रेस्टोरेंट तो नहीं है लेकिन इसकी अपील वही बनती है। सिंधी बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी है, लाइक दैट, बात समझ रहे हैं, तो फिर आप वही प्रेफर करते हैं। देन यू विल हैव एन इनिशियल आइडिया एज टू द काइंड ऑफ फूड अवेलेबल, हाउ दे आर सर्व्ड, फिक्स आर ईटन। और दूसरा, फूड में ये मैटर करता है कि हाउ द फूड इज सर्व्ड, फिक्स एंड ईटन, कि कैसे आपको सर्व की गई। आप देखें अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो वहाँ पर आप देखें बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया जाता है, उसमें क्रॉकरी जो है ना वो भी बड़ी नीट एंड क्लीन होती है, फर्नीचर बहुत अच्छा होता है, मैटिंग, रूम का एटमॉस्फेयर जनाब, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, अगर परफेक्ट नहीं भी कहना तो एक्सीलेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कल्चर टू कल्चर। आप देखें पर्शियंस को देख लें, टर्किश को देख लें, उनके यहाँ आज भी मैट यूज़ होते हैं, वो ज़मीन पर फर्श पर मैट बिछा के वहीं पर बैठे होते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल वे है उनका। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कल्चर। हाँ, KPK में ब्रोचेसन साइड पर सिंध के ट्राइबल एरियाज़ में आज भी ये कल्चर है कि आज भी वो जो हैंड वूवन जो हैंडमेड क्लीन होते हैं जो मैट वो यूज़ करते हैं, उन्हीं पे बैठते हैं, उनके घरों में उनके ड्राइंग रूम में वही चीज़ें होती हैं, सोफ़े भी होते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ वो वहीं पे बैठते हैं। तो फिर आप लोग क्यों शहर के अच्छे रेस्टोरेंट पर जाना प्रेफर करते हैं विद योर फैमिली? क्योंकि वहाँ पर एटिकेट्स होते हैं, सर्व अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, खाना फिक्स अच्छे तरीके से किया जाता है, तो आप इसी तरह आप अच्छे तरीके से वहाँ पे खा सकते हैं। तो अगर कोई इल वे में खाता है खाना जाके, एक बैड मैनर्स में, तो डेफिनेटली दूसरे देख के उसको क्या करेंगे, उसको एक बैड ही समझेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और कुछ लोगों के अंदर कुछ कल्चर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर खाने को, खाने के जो मैनर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्हीं मैनर्स के अंडर ही खाया जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन। Then the next is acceptable dress, and एक सॉरी acceptable dress जो है ना, for acceptable dress it is said कि अगर आपने dress अच्छा पहना तो बोल अच्छा सकते हैं, ठीक है। तो dress जो है that is very important, dress ने भी आपका एक non verbal message जो है वो देना होता है, वो आपके personal taste, individual taste को represent कर रहा होता है, ठीक है। और ड्रेस आपका हमेशा आपके कल्चर से किसी ना किसी तरह कल्चर के साथ डीप रूटेड होता है, जो भी ड्रेस आपने यूज़ करना होता है। ड्रेस आल्सो हैज़ अ वैल्यू इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू, एंड इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। व्हेन यू हैव गुड ड्रेस देन साउंड विल बी क्लियर, एंड तो
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग इन फ्रंट ऑफ गैदरिंग योर ड्रेस शुड बी परफेक्ट. तो व्हेन यू आर कमिंग फॉर प्रेजेंटेशन व्हाई यू आर सपोज टू वेयर फॉर्मल ड्रेस बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव टू मेंटेन यू हैव टू कीप ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक परफेक्ट एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही आएँ. बेशक आप डे टू डे लाइफ में कॉमन लाइफ में ऐसे ड्रेस नहीं पहनते तो वहाँ पर आपको फॉर्मल होना पड़ता है. द सेम इज थिंग सेम हैपन्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू. तो वहाँ पर भी आपको कहा जाए या ना कहा जाए बट यू आर सपोज टू गो देयर विद द फॉर्मल ड्रेस बाय वेयरिंग फॉर्मल ड्रेस. तो आपने उसको पहनना होता है. यही हमारा फॉर्मल ड्रेस ही हमारा एक्सेप्टेबल होता है. और फॉर्मल ड्रेस जो होता है ये मोस्टली इट इज़ ऑन द बेस ऑफ सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ कल्चर इन विच यू आर लिविंग. उसी की बेस पे होता है. तो ज़ाहिर अगर अच्छा ड्रेस पहनेंगे तो दैट विल बी देयर विल बी एप्रिसिएशन फॉर यू इन रिवार्ड. मैनर्स द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनर्स. मैनर्स आल्सो हैव द वैल्यू इन कम्युनिकेशन. यू शुड बी अवेयर ऑफ द मैनर्स ऑफ द कल्चर टू होम यू आर कम्युनिकेटिंग. तो आपको पता होना चाहिए किसी उस शख्स का दूसरे कम्युनिकेटर का जिसके साथ आप कम्युनिकेट करने वाले हैं कि वट आर हीज़ आर हर मैनर्स एंड विच टाइप ऑफ मैनर्स दे लाइक एंड विच टाइप ऑफ मैनर्स दे डू नॉट लाइक. यू ब्रिंग अ गिफ्ट वैन विजिटिंग मोस्ट होम्स इन यूरोप एंड दिस इज़ अ मैनर दिस आर द गुड मैनर्स इन द यूरोपियन सोसाइटीज़ इन यूरोपियन कल्चर. When you are visiting someone else, you have to bring, you have to take with you some gift for that person. And if you bring flowers, mostly, no doubt that they are bringing flowers. But remember one point, you avoid gift the red rose in Germany, France, Belgium and Japan. आप इन कंट्रीज में गिफ्ट तो लेके जा सकते हैं, no doubt, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप उनके लिए फूल भी लेके जा सकते हैं. मोस्टली फूल ही लेके जाते हैं सारे. तो वो आम रूटीन में भी जब मिलते हैं तो फूल लेके जाते हैं. दैट इज़ देयर कल्चर, दैट इज़ देयर ट्रेंड. तो लेकिन रेड रोज से आपने अवॉइड करना है. रेड रोज के साथ जो जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं दैट यू नो वेरी वेल, क्योंकि दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ लव एंड दीज टाइप्स ऑफ सेंटीमेंट्स. ठीक है. तो वैसे व्हाट्सएप पे मेरा है ही रेड है, वो मजबूरन शायद रेड ही भेजना पड़ जाता है लोगों को. एनी वेज इन सऊदी अरेबिया यू विल लर्न दैट इनके कल्चर में जो क्या मैनर्स आप सीखेंगे, क्या मैनर्स आपके नॉलेज में आएंगे कि व्हेन द जूनियर प्रिंस इज टॉकिंग डिस्कसिंग समथिंग एंड सेम टाइम मीनवाइल इफ द सीनियर प्रिंस इज एंटरिंग सीनियर प्रिंस इज कमिंग ही विल बिकम साइलेंट. तो वो खामोश हो जाएगा इन रेस्पेक्ट इन रिगार्ड. ये उनके मैनर्स हैं. ठीक है. हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, को बड़ा आके बात करता है तो छोटे सब खामोश हो जाते हैं, खामोशी से पहले बात सुनते हैं उसकी अपनी बात रोक के. तो ये सारे मैनर्स मौजूद होते हैं. हमारे भी हैं मैनर्स, लेकिन बस ये है कि हम इन बुक्स वी आर नॉट डिस्कसिंग. इट डजंट मीन कि वी आर विदाउट मैनर्स, बट वी हैव दैट वी आर फॉलोइंग. यहाँ पे चूंकि वेरिएबल एक नेशन वाइज वी आर डिस्कसिंग, तो दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट अदर कल्चर्स. अच्छा, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल. And remember this thing in business, if you are not able to take right decision at the right time, you can never be successful. आप कभी कामयाब नहीं हो सकते. तो decision making का जो behavior है, decision making का जो way है, it depends on different nations differently. तो for example, patience above all is needed in intercultural communication in doing business with other countries. एक तो patience आपको show करना है, आपको cool down रहना है. मेन चीज़ यह है कि देखिए बात हो रही है टेम्परामेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस, हाउ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस आर बिहेविंग. हेयर आई हैव द टू एग्जांपल्स. अमेरिकन्स आर टाइप कास्ट का मतलब होता है कि दे आर वेरी क्विक टू टेक डिसीजन, दे आर वेरी फास्ट. वो टाइम टेकिंग नहीं करते, दे आर नॉट टेकिंग टू मच टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग. हमारे यहाँ नहीं होता, मैं कल बताऊँगी, मैं परसों सोच के बताऊँगा, ठीक है, अम्मी से बात करके बताऊँगी या चाचा जी से पूछूंगा, ठीक है ना, वो इन मैटर्स को डील करते हैं. नहीं, दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग. मैं बात से बात करके फिर आपसे फाइनल करूंगा, नहीं भाई, दे हैव गिवन पावर्स टू द रैंक्स. उस रैंक की ही जिम्मेदारी है, ही हैज़ टू डिसाइड, शी हैज़ टू डिसाइड. वहाँ पर कोई इश्यू ऐसा नहीं होता. आप बात से पूछेंगे, प्रेजिडेंट से पूछेंगे, अगर आपको पावर्स मिली हैं तो यू विल यूज़. अमेरिका आर द टाइप कास्ट एज मूविंग टू क्विकली इन आस्किंग फॉर अ डिसीजन. फौरन इंस्टेंटली वो डिसीजन लेते हैं, लंबा टाइम नहीं लेते. इन ईजी वर्ड्स, वैन वन रीचिज जापान डिसीजन टाइम इज़ हेल्ड बैक एज अ ग्रुप कंसेंसिस.
तो जापानीज क्या करते हैं, वो डिसीजन टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कंसेंसिस के जरिए। अगर सब मिल के कह रहे नहीं भाई हमें 2 दिन और दें, हमें हफ्ता और दें, लाइक दैट, ठीक है, तो फिर वो उस इस चीज़ को उनका कल्चर एक्सेप्ट करता है। दे ऑलवेज टेक टाइम। अमेरिकन्स नो डाउट कि दे आर, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस। मैं ये कह सकता हूँ कि दे आर द डिसीजन मेकर, दे आर द क्विक डिसीजन मेकर, बस दैट्स ऑल, यही उनकी कामयाबी है। और जापानीज़ की यही है कि ये कौमों के मजाज में सुस्ती होती है, रिमेंबर दिस थिंग, और पूरी कौम के हर बंदे में फिर वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी होती है, और जो मजाज की जो तुंदी होती है ना, प्रम्पनेस, तो ये भी कौमों के अंदर फिर पेनिट्रेट कर जाती है। वो सारे भी मिनट में डिसीजन लेते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी इवन अ सिंगल सेकेंड। तो जापानीज जो है ना वो कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि ये सब नहीं मान रहे, अभी बाकियों से बात करके फिर वी शैल डिसाइड, तो लाइक दैट। अच्छा, आफ्टर दैट वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इन वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव द रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स। तो रिटन वर्ड्स स्टूडेंट्स यही होते हैं कि आपने ग्रामर को कितनी अच्छी यूज़ की है, बहुत अच्छी होगी तो आपका अच्छा इंप्रेशन होगा, आपका इंडिविजुअली एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर आप जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू आर वेल वर्स इन दैट लैंग्वेज, तो कल्चरली भी ये पता चल जाता है कि भाई ये लोग जो है ना अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ब्रिटिश अमेरिकन आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पर्सन फ्राम पाकिस्तान इंडिया, तो उनके नॉलेज में है कि इन पास बोथ कंट्रीज़ वर देयर कलोनी, और वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, हर बंदा तकरीबन हर पढ़ा लिखा बंदा इंग्लिश जानता है बोलने की हद तक। रिमेंबर दिस पॉइंट, आप कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, अभी कभी आप बाहर जा के देखें, विजिट यूएई, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हाउ यू आर गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ द अदर पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़, अदर कम्यूनिटीज़, हाउ दे आर बैकवर्ड इन द यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको वहाँ पता चलेगा आपकी वैल्यू का, कि जिस तरह की भी ब्रोकन इंग्लिश आपको आती है वो बहुत अच्छी है दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से, उनको कुछ पता नहीं होता। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो रिटन कम्युनिकेशन के फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। ये चीज़ें आपका इंडिविजुअल कल्चर, आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सेम इज़ विद द ओरल कम्युनिकेशन, कि हाउ मच यू आर परफेक्ट इन ओरल कम्युनिकेशन, ये चीज़ भी आपकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ बिहेवियर को डिस्प्ले करती है। उसके बाद देखें इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है जनाब इसमें फिर किनेसिक्स हैं, किनेसिक्स में आ जाता है तमाम एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ये सारा, इनको भी हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बाकी इनका डिटेल लेक्चर सेपरेट भी आ जाएगा, ठीक है, वो आप दोबारा सुन सकते हैं। हैप्टिक्स हैं, हैप्टिक्स जो है दैट इज़ ऑल अबाउट द टच, ठीक है, फिजिकल टच, सोशल टच, इंटीमेट टच, जो भी हैं इनको हमने डिस्कस किया हुआ है। ये टच के बारे में, कि अगर आप हैंडशेक कर रहे हैं तो हाउ स्ट्रांगली यू हैव टू, हाउ लॉन्ग यू हैव टू, शोल्डर पे टैप कर रहे हैं किसी को, शोल्डर पे, बैक पे, तो हाउ लॉन्ग, हाउ स्ट्रांग यू हैव टू, ये तो नहीं कि बेचारे को टैप करते हुए उसको गिरा देना है, तो लाइक दैट। प्रॉक्सिमिक्स जो है ना, ये दैट इज़ अबाउट डिस्टेंस, स्पेस, अभी पीछे भी ये डिस्कस हुआ पॉइंट, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये सोशल, ये डिस्टेंस के बारे में है, मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट शुड बी 18 inches। टाइम इज़ ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड्स। तो टाइम का मतलब है कि हाउ समवन इज़ टेकिंग टाइम, लेट आना कहाँ पे पसंद किया जाता है, कहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता, कहाँ पे उसको बुरा समझा जाता है। साइलेंस मीन्स कि हाउ लॉन्ग यू विल साइलेंट, अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो फ्यू सेकंड का साइलेंस जो है ना दैट कैन बी कंसिडर्ड एज गुड, लेकिन अगर आप की यू आर कीप ऑन बींग साइलेंट तो इट इज़ बैकवर्ड। तो ये कौमों के मजाज पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी नेशन मौजूद हैं इस दुनिया में कि दैट आर मोस्टली साइलेंट, वो इररेलीवेंट और टू द पॉइंट बात के अलावा वो बात ही नहीं करते। आप चाइनीज़ को देख लें स्पेशली, आपको बिल्कुल ऐसे ही नजर आएंगे जैसे खामोश जा रहे हैं आपस में, थोड़ी बहुत ही बात कर लें, एज़ कम्पेयर टू द आर पीपल। हमारे लोग तो मौका मिलना चाहिए, बोल बोल के गले थक जाते हैं, कान खा जाते हैं लोगों के, लेकिन खामोश नहीं होते, ठीक है। ये कौमों के मजाज पे डिपेंड करता है। रिमेंबर, इंडोनेशियन जो है ना वो भी बहुत कम बोलते हैं, राइट। आप अरब्स को देख लें, वो बहुत ऊँची बोलते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, वो साइलेंस को मेनटेन नहीं करते वाइल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर्स। तो आपने बच्चों इन पॉइंट्स को अब कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में लेना है। रिमेंबर दिस पॉइंट, सिर्फ साइलेंस बताना नहीं कि 2 सेकंड साइलेंट रहे तो बात ठीक है, काफ़ी है, नहीं, अब आपने इनको कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है। इस तरह पैरा लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, वैन वी आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप इंडियन हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वर्ड रेट डिफरेंट होगा। हर नेशन के लिए वर्ड रेट डिफरेंट है, जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होता है आसानी से, राइट। तो पैरा लिंग्विस्टिक्स में आपने वॉइस क्वालिटी देखनी है, लाउडनेस देखनी है अपनी, वॉइस फ्रीक्वेंसी जिसे आप पिच कहते हैं वो भी देखना आपने कि कितनी ज़्यादा कितनी कम है। डिफरेंट कल्चर्स के लोग डिफरेंट होते हैं, आप फिलिपिनियों को देख लें, तो
तो वो बड़ी तेज़ बोलते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट, वो बड़ी तेज़ बोलते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाबियों को देख लें तो वो बिल्कुल स्लो बोल रहे होते हैं, सुकून से जैसे बात कर रहे हैं। सिंधियों को देख लें, वो उससे भी ज़्यादा सुकून से बात कर रहे होते हैं। आप हैदराबाद वालों की उर्दू सुन लें, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, मुंबई वालों की डिफरेंट होगी। ठीक है, और बिहार साइड पर देख लें, वो बड़ी स्पीड के साथ बोलते हैं, उनका वर्ड रेट नेचुरली ही बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ इंग्लिश उर्दू बोलते हैं, जब इंग्लिश बोलेंगे तो वो भी तेज़ ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें आपने, इस तरह कल्चर वाइज इन चीज़ों को आपने, इन पॉइंट्स को लेके चलना है, इनको आपने समझना है। तो ओके जी, थैंक यू, दिस वाज द एंड ऑफ इंडिविजुअल कल्चर वेरिएबल्स।